अस्सलाम नाज़रीन, दिस इज़ मोहम्मद अब्बास फ्रॉम द बॉर्डर टेक। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि मैं इसमें वो पांच स्किल्स आपको बताने जा रहा हूँ जो आप इस्तेमाल करते हुए मीन वाले आप अपर इस्टेब्लिश कर रहे हो अपने आप को, आप ये पांच स्किल्स इस्तेमाल करते हुए एक साइड अर्निंग हर रोज की स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्किल्स बहुत ही अहम है, जरूर देखिएगा वीडियो आखिर तक। चलते हैं फर्स्ट अपनी एंट्री की तरफ। डेटा एंट्री सबसे पहली हमारी वो स्किल है। डेटा एंट्री जॉब्स फ्रॉम होम बेसिकली इसलिए आसान है क्योंकि दे रिक्वायर, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सेल शीट आपको दे दें एम्प्टी और आपको वो हैंड रिटन एंट्रीज दे दें कि ये हमने सही एंट्रीज की थी, और फॉर एग्जाम्पल डेटा ऑफ अ क्रिकेट मैच या कोई भी इस तरह, तो आपने उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट फॉर्म में इनपुट करते जाना है। अ टास्क दैट रिक्वायर्स नो स्किल, दैट रिक्वायर्स नो एक्सपर्टीज, हर कोई कर सकता है। सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए है, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए है, एंड दैट्स ऑल। इवन एक स्मार्टफोन भी काम कर सकता है इस चीज में। तो सो डेटा एंट्री इज द फर्स्ट स्किल जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। क्यों? एक और रीजन ये है कि यूके के लोग, यूएसए के लोग वगैरह जो होते हैं वो नॉर्मली इन जॉब्स के लिए बड़ा हाई बिड कर देते हैं। इंडो पाक के लोग इन जॉब्स पे जो लोअर बिड करते हैं वो डेटा एंट्री जॉब के लिए अच्छी बात है। क्यों? बिकॉज ये कॉम्पिटिशन बड़ा होता है डेटा एंट्री जॉब्स में, 50-50 प्रपोजल आ रहे होते हैं। अगर आप शुरू की 10 प्रपोजल में आ जाएं, जैसे आपको मैंने पहले वीडियोज में एक्सप्लेन किया था, तो पहले 10 प्रपोजल्स में आ जाएं और लोअर बिड भी हो, मोस्ट प्रॉबली आप चूज हो जाएंगे। और अक्सर इन जॉब्स पे 30+ फ्रीलांसर्स रिक्वायर्ड होते हैं, 20+ फ्रीलांसर्स रिक्वायर्ड होते हैं एक साथ एक एक जॉब पे। तो ये प्लस पॉइंट होता है कि आप लोगों को शुरू में ही अच्छी जॉब मिल सकती है, डेली की $10 की जो बंदा कमा ले, लेकिन वी शुड गो अहेड। सो नंबर वन ये हो गया। नंबर टू, ऑनलाइन सर्विस। आप जाके जरूर अपने पर सर्च कीजिएगा ऑनलाइन सर्विस की जो जॉब्स हैं वो क्या होता है। ऐप नहीं बनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं आज एक ऐप बनाता हूँ, वो ऐप को मैं टेस्ट करना है, तो मैं ऑनलाइन लोगों को सर्विस पकड़ा दूंगा कि यार ये आप देखो, ये इस्तेमाल की चेक करो और देन फिल अ फॉर्म के हाउ इज दिस ऐप वर्किंग। सो दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन सर्विस। अक्सर लोग आपको $5 जरूर दे देंगे एक सर्वे फिल करने के, क्योंकि $5 इज द मिनिमम लिमिट ऑन अपवर्क। तो $5 की आई थिंक जॉब वाली होती है, $5 $10, दिस कैन गो अबव। आप अगर ऑनलाइन सर्विस में एक्सपर्टीज हासिल करते हैं तो लोग आपको अपनी प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए आपको फिर रख लेंगे कि अच्छा आप फिर ऑनलाइन सर्वे फिल करो आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट एंड विल पे यू $100 $200 एंड सो ऑन, यू गो अहेड। लेकिन दिस इज अ वेरी गुड स्टार्ट पॉइंट इफ आप अपनी एक्सपर्टीज अभी बिल्ड करें बाकी वाली। आगे चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन पे। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि तमाम ऑडियो कंटेंट जो आप सुन रहे हैं, आपको इसलिए क्या चाहिए, एक हेडफोन, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक कंप्यूटर, या फिर एक स्मार्टफोन, एक हेडफोन और एक इंटरनेट कनेक्शन। आप लोगों ने लगाना है हेडफोन, उसमें जो वो बोल रहे हैं आपने वो जो लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल उर्दू है, तो अगर आप उर्दू टाइपिंग स्ट्रांग है उर्दू टाइप आपने कर देना है जो ऑडियो कंटेंट है। अगर आप बात करते हैं इंग्लिश कंटेंट की, तो इंग्लिश कंटेंट में भी यही है कि वो बोल रहे होंगे आपने लिखना है। दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब बट इट पेज वेल। अक्सर शुरू में आपको इतना अच्छा पे नहीं हो रहा होगा, लेकिन इट्स वर्थ अ ट्राई बिकॉज ये स्टार्टिंग पॉइंट बहुत सारे लोगों के लिए कामयाब होता है एंड मैनी हैव मूव्ड टूवर्ड्स प्रोफेशनल ट्रांसक्रिप्शनिंग जॉब्स इन द फ्यूचर। अगले चलते हैं हम जल्दी से। अब आप आगे आ जाएं वेबसाइट टेस्टिंग पे। वेबसाइट टेस्टिंग क्या होती है? वेबसाइट टेस्टिंग ये होती है कि आपके पास अक्सर 10-20 मिनट्स का एक वेबसाइट टेस्ट करना होता है कि अगर ये वेबसाइट, आप एक अननोन पर्सन हैं और आप बस वेबसाइट खोलते हैं, तो आपको कितनी यूजर फ्रेंडली लगी, क्या हर लिंक खुल रहा है, क्या उसकी प्रोडक्ट्स जो मेंशन है फॉर एग्जांपल वो खुल रहे हैं लिंक्स। तो ये एक एक आपने आपको एक प्रोवाइड कर देंगे फॉर्म, आप उसे टिक मार्क करना होगा कि ऑल लिंक्स ओपनिंग, अबाउट अस पेज कैसा है उनका, प्रोडक्ट्स का पेज कैसा है, इंट्रैक्शन कैसा है विद वेबसाइट। दिस वेबसाइट टेस्टिंग इज वर्थ $5 ईच अक्सर, बहुत आराम से। सो दिस इज अ वर्थ अ ट्राई, जो मैं कहूँगा कि वेबसाइट टेस्टिंग सर्च करें ऑन अपवर्क या फाइवर जहाँ पे भी हैं, क्योंकि फाइवर पे आई गेस वो सर्च नहीं करते आप, उसमें आप सेलर को दिखाते हैं अपनी प्रोफाइल एंड वो सिलेक्ट करते हैं आपकी ऑफर को, लेकिन अपवर्क पे सर्च करते हैं। तो अपवर्क पे आप सर्च जरूर कीजिएगा वेबसाइट टेस्टिंग, यू विल गेट अलॉट फ्रॉम देम। आगे आते हैं वर्चुअल असिस्टेंट्स पे। वर्चुअल असिस्टेंट्स क्या है? आपको पता है इस वक्त फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, इतनी सारी चीज़ें जो पोस्टिंग हो रही होती है, क्या ये कोई बंदा पीछे बैठे कर रहा होता है या नहीं? डेफिनेटली कर रहा होता है। सो व्हाई नॉट गो फॉर अ वर्चुअल असिस्टेंट जो कि
मोस्ट प्रॉब्ली कोई कॉल हैंडलिंग होगी, इंस्टाग्राम पोस्टिंग होगी, फेसबुक पोस्टिंग होगी। इसकी जॉब रोजाना की बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, 5,000 जॉब आती हैं। डू अप्लाई ऑन देम। मैं आपको बता रहा हूँ, इस वर्चुअल असिस्टेंट जॉब इज वर्थ अ ट्राई अगर आप फॉरन स्टार्ट ना चाहते हैं कि मैं अर्निंग स्टार्ट कर दूँ, साथ साथ में मैं अपनी मेन स्किल डेवलप करूँ। सो वर्चुअल असिस्टेंट में क्या होता है कि इंस्टाग्राम पोस्टिंग और फेसबुक पोस्टिंग इज द मोस्ट वेल पेड। मैं वो कहूँगा इस तरफ चाहिएगा प्लीज, बिकॉज मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को ये रिकमेंड किया था एंड दे हैव रियली एस्ट इंडेड। क्योंकि अच्छी फेसबुक पोस्ट आपको आती बनाना, या फिर अच्छी इंस्टाग्राम पोस्ट, या अगर आपको नहीं भी आती, सिर्फ पोस्ट स्केजुलिंग आती है कि कैसे 10 पोस्ट को एक साथ करना है, भेजना कैसे, अगर आपको नहीं आती तो ऑनलाइन वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा इस पर कि हाउ टू स्केजुल इंस्टाग्राम पोस्ट, हाउ टू स्केजुल फेसबुक पोस्ट। हर रोज़ की आपके, फॉर एग्जाम्पल, अगर 50 पोस्ट करनी है ऑन 5 डिफरेंट पेजेस ऑफ अ क्लाइंट, वर्थ अ ट्राई। डेली के आपके $30 प्लस आराम से बनेंगे विद इन अ वीक। आप अगर स्टार्ट करके देखें इसमें जरूर, बिकॉज दिस इज वर्थ अ ट्राई। और इससे पहले जरूर पोर्टफोलियो बना लीजिएगा अपना, कुछ एग्जाम्पल पेज पे ना पोस्ट पिक करके उसकी स्क्रीनशॉट्स लेके उनको पोर्टफोलियो में जरूर डाल दीजिएगा, ताकि कोई भी क्लाइंट आए वो आपकी पहले देख सके कि आप कैसे करते हैं ये काम। देन इट इज वर्थ कि आपको इंशाल्लाह वो हायर करेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट में जरूर बताएं मुझे कि ये वीडियो मैं और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। दिस इज मोहम्मद अब्बास साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।